अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम खेल खेलेंगे और वो खेल है कागज़ का खेल। जी, आज हम कागज़ से खेल करेंगे। कागज़ से खेल करने के लिए आप भी जल्दी से अपने पास एक एक कागज़ ले लें, इस तरह से जैसे मेरे पास है। फिर हम खेल शुरू करते हैं। तो आज जो हम कागज़ से खेल करेंगे, मैं कुछ आवाज़ें कागज़ के पीछे से बोलूंगी, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि मेरा कागज़ उन आवाज़ों पे हिलता है या नहीं हिलता, ठीक है? तो आज हम आवाज़ों का खेल खेलेंगे कागज़ के साथ। तो पहली आवाज़ देख लेते हैं कि पहली आवाज़ कौन सी मैं बोलूंगी तो ये मेरा कागज़ हिलता है कि नहीं हिलता। ब, कागज़ हिला क्या? नहीं, कागज़ तो नहीं हिला, ये तो ऐसी का ऐसी है। अब हम दूसरी आवाज़ निकाल के देखते हैं। फ, ये तो हिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने पहली आवाज़ बोली थी वो आवाज़ थी हल्की। वो आवाज़ कौन सी थी बच्चों? वो आवाज़ थी हल्की। और जो मैंने दूसरी आवाज़ बोली वो आवाज़ थी भारी। जी, तभी तो कागज़ हिल गया। चले एक और करके देखते हैं, ठीक है? प, कागज़ हिला? नहीं हिला। दूसरी आवाज़ निकाल के देखते हैं। प, ये तो हिल गया, ठीक है? तो इसका मतलब है जो प मैंने आवाज़ निकाली थी वो थी हल्की और फ आवाज़ जो निकाली थी वो थी भारी। जी बच्चों, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि हल्की और भारी आवाज़ों में फ़र्क, कि वो फ़र्क कौन सा होता है। जो हल्की आवाज़ें होती हैं उसमें कागज़ नहीं हिलता, और जो भारी आवाज़ें होती हैं उसमें कागज़ हिल जाता है, जैसे अभी मेरा हिला था। तो आपने ये जो खेल है ना, ये आपने बाकी आवाज़ों के साथ घर में खुद से खेलना है। जब आप खेलेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। जैसे अभी हमें मज़ा आ रहा था ना, हम आवाज़ें निकाल रहे थे और कागज़ हिल रहा था और कभी नहीं हिल रहा था, ठीक है बच्चों? ये तो हमने खेल लिया खेल। अब हम कुछ काम कर लेते हैं। तो काम करने के लिए अपनी किताबें निकालें, और किताबें कौन सी निकालेंगे? प्रिय उर्दू प्रियर 3 की किताब नंबर 3, उर्दू की किताब नंबर 3 और सफ़ा नंबर खोल लें 91, ठीक है? सफ़ा नंबर 91 जल्दी से खोल लें। मेरे पास भी यहाँ पर आ गया है सफ़ा। सबसे पहले हम तस्वीरी हिदायत देखते हैं कि हमारे पास तस्वीरी हिदायत कौन कौन सी है। तो पहली तस्वीरी हिदायत है पढ़िए, मिलाइए और तारीख की जगह पे आपने आज की तारीख लिखनी है, ठीक है बच्चों? यहाँ पर नीचे कुछ लिखा हुआ है। एक साइड पे आपको कुछ हल्की आवाज़ें दिख रही हैं और कुछ भारी आवाज़ें दिख रही हैं, जिसका खेल अभी हमने खेला था। लेकिन हम इन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी हल्की आवाज़ें हैं और कौन सी भारी आवाज़ हैं। तो मेरे साथ सब पढ़ेंगे, ठीक है? पहली आवाज़ है ब, ठीक है? ब हल्की आवाज़ है और इसी की जो भारी आवाज़ है वो है भ, ठीक है? दूसरी आवाज़ है प, उसकी भारी आवाज़ है फ। फिर है तो, उसकी भारी आवाज़ है थ। फिर है ट, उसकी भारी आवाज़ क्या है? ठ। फिर है हमारे पास झ, ठीक है? और उसकी भारी आवाज़ क्या होगी? झ। फिर है च, उसकी भारी आवाज़ है छ। फिर है दो, और उसके आगे लिखा हुआ है ध। फिर है ड, और ड के आगे क्या लिखा हुआ है? ढ। फिर है क, और उसके आगे लिखा हुआ है ख। और जो आखिरी आवाज़ है वो है ग, और उसके आगे जो उसकी ग की भारी आवाज़ है वो है घ। तो इस तरह से हमें फ़र्क पता चला कि कौन सी हल्की आवाज़ है और कौन सी भारी आवाज़ें हैं।
ठीक है बच्चों, जब आप ये भारी हल्की और भारी आवाज़ें पढ़ लेंगे तो आप देखें कि हमारे पास आगे उसके कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं और उन तस्वीरों को एक जैसी उन जो तस्वीरें बनी हुई हैं आपने क्या करना है, उनकी एक जैसी तस्वीरों से उनको मिलाना है। जैसे यहाँ पर एक हुई हुई है कि एक भालू की तस्वीर है और उस भालू की तस्वीर को एक और भालू की तस्वीर से मिलाया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो एक जैसी तस्वीरें हैं आपने उनको मिलाना है। जब आप ये सफ़ा मुकम्मल कर लेंगे पढ़ने और मिलाने के बाद, तो हम सफ़ा नंबर करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 92 पे। सफ़ा नंबर 92 पे भी हमारे पास हल्की और भारी आवाज़ें हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। पहली आवाज़ है इर, और हम इसकी भारी आवाज़ कैसे पढ़ेंगे, इर 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 ल म न न। ये थी हल्की और भारी आवाज़ें। इसी तरह से हमारे पास जो सामने तस्वीरें बनी हुई हैं आपने एक जैसी तस्वीरों को मिलाना है। पहले पढ़ लेंगे फिर एक जैसी तस्वीरों को मिलाएंगे। जब आप ये सफ़ा मुकम्मल कर लेंगे मिलाने के बाद, फिर हम सफ़ा नंबर करेंगे 93, ठीक है। सफ़ा नंबर 93 यहाँ आ गया है। सफ़ा नंबर 93 पे हमारे पास सिर्फ भारी आवाज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसके आगे आप देख रहे हैं कि कुछ नुक्तों वाली भारी आवाज़ें हैं और कुछ नुक्ते हैं उस पर आपने ख़ुद से लिखना है। तो आपने यहाँ क्या करना है, भारी आवाज़ों पर पेंसिल फेरनी है और ख़ुद से एक दफ़ा उन्हें लिखना है, ठीक है। सफाई से हाथ फेरेंगे और सफाई से ख़ुद से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। जब आप ये तीनों सफ़े मुकम्मल कर लेंगे तो ये सफ़े आप अपनी टीचर को या अपनी मम्मा को चेक करवाएंगे, फिर अपनी किताबें बंद करके अपनी बैग में हिफाज़त से रखेंगे, ठीक है। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।